तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सज्जन सहेले राखो राखन हार दयाला, नानक करके बोले। बहुत ही सत्कार योग, अदब योग, सम्मान योग गुरु प्यारी, गुरु सवारी, गुरु रूप साध संगत जी, आप अमृत वेले तो धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पावन हजूरी अंदर हफ्तावारी दीवाना की हाजिरी भर के अपने जीवन को सफला कर रहे हो। सतगुरु महाराज के चरणों में जो भी जीव आता है, सतसंगत में जुड़ता है, संगत करता है, सतगुरु महाराज जी का पावन वचन हर रोज़ गुरु का सिख पढ़ता है। मेरे माधव जी सतसंगत मिले सो धरिया, गुरु महाराज जी ने इको पंक्ति में सब कुछ ही निबेड़ दिता कि जिन्हें सतसंगत कर ली, जिहड़ा सतसंगत में आ गया उहदा जन्म मरण दोहों में नाही, उहनां दा जन्म मरण कट्टिया गया। मेरे माधव जी सतसंगत मिले सो धरिया, आप वड्डे भागां वाले हो। सतगुरु महाराज जी का पावन वचन है, बिन भागा सतसंग ना लभे, बिन संगत मैल भरीजे जीव। जीव सतसंगत विच आउंदा है, सतसंगत दे विचों की कुछ प्राप्त होंदा है। जदों हर रोज़ गुरु का प्यारा संगत विच आउंदा है, संगत विच बैठ के प्राप्त की होंदा है, सतगुरु महाराज जी तों पुछ लैंदे आ। सतगुरु महाराज कहिंदे, विसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोहे पाई। सारी तात पराई दुई दवै की भावना जिहड़ी है जीव के अंदरों जदों खत्म हो गई, सतगुरु महाराज जी ने कृपा कर दी, जिन्हें सतसंगत कर ली उहदे विचों जदों दुई दवै खत्म हो गई, फिर सतगुरु महाराज कहिंदे गुरु जी नाल फिर जीव का प्रेम बनना शुरू हो जाता है। प्रेम जदों प्रेम की अवस्था बन गई, सतगुरु महाराज कहिंदे साच कहो सो लिहो सवै, जिन प्रेम कियो तिन ही प्राप्त पायो। तुसीं बहुत ही प्रेम नाल सत्कार नाल अमृत वेले तो गुरु दरबार दीआं हाजरियां भर रहे हो। बाबाणियां कहानियां बुत सुबुत प्रेम कथा विचारां गुरबाणी कीर्तन सरवण करके अपने जीवन नूं सफला कर रहे हो। प्राणी तों आयो लाहा लैण, लगा तिपत पकड़े सब मुकदी चली रहण, रहण गवाई सोए के दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है कौ जी बदले जाए। तुसीं अपने जीवन नूं सवार रहे हो, तुसीं अपने जीवन दीआं अजाई जांदीआं घड़ियां नूं लेखे विच ला रहे हो। मैं सब तो पहला बेनती करा कि ढाडी जथे वल्लों बुलाई फतेह प्रवान करिए, चढ़दी कला विच सारे फतेह दा जवाब फतेह विच दिओ, तां कि तुहाडी ते साडी हाजरी गुरु चरणां विच लग सके। सो आओ ढाडी जथे नूं फतेह दे नाल प्रवानगी दिओ, चढ़दी कला विच सारी संगत आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सुनी अरदास स्वामी मेरे सर्व कला बनाई, प्रगट पई सगले जुगांतर गुरु नानक की वड्याई। हर कोई आके गुरु चरणों के अरदास करता है, बेनती करता है, जोदड़ी करता है गुरु के चरणों के, क्योंकि गुरु के सिख के कोल अरदास सब तो बड़ी ताकत है। साड़ी अरदास भी है तो साड़ा इतिहास भी है विच अरदास दे, अरदास भी है ते अरदास भी है ते साडा इतिहास भी है। सब तो वड्डा हथियार गुरु दे सिख कोल अरदास है। जेकर गुरु दे सिख ने किते खड़ के अटक दरिया के कंढे ते अरदास कर दित्ती तां दरिया नूं भी अटकना पै गया, कहिंदे कि आपो सतनाम श्री वाहे। अरदास अरदास दे विच एडी ताकत है, इन्नी पावर है अरदास दे विच। पर सतगुरु महाराज कहिंदे बिरथी कदे ना हो गई जन की अरदास, नानक जोर गोविंद का पूर्ण गुणदास। इत्थे जो भी अरदास करता है उहदी अरदास संपूर्ण हुंदी है, पूर्ण हुंदी है, पूरी हुंदी है। पर किसी विद्वान शायर ने लिखिया कि खुदा मंजूर करता है दुआ जब दिल से होती है, लेकिन मुश्किल तो यह है ये मुश्किल से होती है। अरदास करन दे लई मन बनाउणा पैंदा है, मन करके कीती हुई अरदास मन विच है सतगुर के पास ते सेव के कार जलास। जदों मन करके गुरु का सिख गुरु के चरणों में अरदास करता है, फिर दुनिया की कोई वस्तु नहीं जिहड़ी इस दर तों प्राप्त नहीं होंदी।
गुरु नानक दे दर दे पाए। अज मैं अरदास ते विचार करांगा। एक गुरु का सिख है, जेलम जिले के रहने वाला, टांडा पिंड है। इतिहासकार ने दसिया उसका बड़ा अमीर घर दे विच है, अमीर परिवार है, बड़ा रिच है, कारोबार बड़ा चंगा है, वधिया है। उसके जहाज चलते ने, समुद्री बेड़े चलते ने, बहुत अमीर है। एक दूसरे देशों के नाल समुद्र राही, समुद्री बेड़िया राही व्यापार का कार्य करता है, व्यापार करता है। सो गुरमुख प्यारियो, एक दिन यहोजा समा बनया कि समुद्र के तूफान आ गया। समुद्र के तूफान आया, एक समुद्री बेड़ा उसका एक ब्रेते उत्ते जा टिकया। जदों ब्रेते उत्ते टिक गया, सारे जिन्हें कर्मचारी ने सारिया ने बड़ा जोर लाया, पर जहाज टस तो मस ना होया। जदों तां गुरु प्यारियो उस गुरसिख ने गुरु नानक पातशाह महाराज जी के चरणों का ध्यान धरके एक अरदास की। आप अरदास की गल कर लगे हैं कि अरदास किवें पूरी होंदी है। मक्खन शाह लवाणा ये जहाज का मालिक है, गुरु चरणों में अरदास करता है, बेनती करता कि सतगुरु गुरु नानक पातशाह महाराज जी सुनया तुसी इस कलयुग के भयानक समय अंदर संसार नूं तारन वास्ते आए हो, जगत जिंदा रख लै, अपनी कृपा धार, जित दुआरे उभरे ते तेरे लोवा। तुसी जगत जिंदे नूं ठारन वास्ते संसार दे विच आए हो, जहान दे विच आए हो, संसार नूं तारन वास्ते तुहाडा आगमन होया। अज गुरु नानक पातशाह महाराज जी के चरण का ध्यान करके मक्खन शाह लवाणे ने गल विच पा के पल्लू जिवें अरदास की है, उस भव सागर में फसे हुए हैं कि सतगुरु महाराज कृपा करो, मेरा होर कोई सहारा नहीं है। जदों जीव सब द्वारे छड के एको सिमरै नानका जो जल थल रहा समाए, जदों एक दर दे उत्ते आ जाता है, एक दा हो जाता है, फिर सतगुरु महाराज जी उहदी अरदास प्रवान करते हैं। अज गुरु का सिख भाई मक्खन शाह लवाणा गल विच पल्ला पा के जिवें अरदास करता है, ढाडी जत्थे कोलों इंज सुणो। मक्खन शाह लवाणे ने अपने साथियों समेत गुरु नानक महाराज के चरणों का ध्यान धरके अरदास की है, बेनती कदी की है। सतगुरु महाराज के चरणों में अरदास प्रवान हुई है। सो गुरमुख प्यारियो, इत्थे सानू एक सीध मिलती है इस इतिहास तो, क्योंकि इतिहास के हर पन्ने तो कोई ना कोई सानू सिद्धांत मिलता है, कोई ना कोई सीध मिलती है। हुण एक यह समुद्र है जिहदे विच मक्खन शाह का बेड़ा डुबदा जा रहा है। हुण एक यह संसार समुद्र है जिहदे विच आ शरीरक बेड़ा साडा डुबदा जा रहा है, शरीरक बेड़ा। इहनूं इत्थों कढ़न दे लई भवजल दे विचों खाद पीत खेल दहत भरमे जन्म अनेक, भवजल ते काढो प्रभु नानक तेरी टेक। असीं वी गुरु चरणां विच अरदास करिए कि महाराज साडा बेड़ा, यह शरीरक रूपी बेड़ा जिहड़ा, यह संसार समुद्र के विच, यह संसार समुद्र है बड़ा गहरा, कई डूबी जाते, कई तरी जाते, इत्थे गेड़ 84 का चलता है, कई जन्म धारण, कई मरी जाते, पर धन जन्म है उन्हों का साध संगत जेड़े भजन भगवान का करी जाते। एक बार सारी संगत आखो सतनाम श्री वाहे। असीं भी गुरु चरणों में अरदासां करिए कि सतगुरु पातशाह यह मनुखा जीवन मिलया है, भई प्राप्त मानुख देहोरिया, गोबिंद मिलन की ए तेरी वरिया, अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल। क्यों ना आप गुरु चरणों में तुसीं बैठे हो, गुरु चरणों में सतगुरु महाराज नानक नदरी नदर नयाल, जिहड़े संगत में आ गए सतगुरु महाराज उन्हां दी कृपा दृष्टि कर रहे हैं, अपनी नज़र पा रहे हैं गुरु नानक पातशाह। अज मक्खन शाह लवाणे ने अरदास की है, समुद्र के विचों एक छल उठी है, छल उठी, बेड़ा अदा वल रवाना हो गया। मक्खन शाह लवाणे ने गुरु नानक के चरणों में 500 सोने की मोहर सुखी कि महाराज मेरा बेड़ा बन्ने लग जाए, मैं 500 माह मोहर तुहाडे दरबार में आके भेटा चढ़ावांगा। आपां भी सुखना सुखदे हैं गुरु चरणों में आके। गुरु महाराज इत्थे हुण वो अमीर बंदा है, 500 सोने की मोहर सुखी है,
पर प्यारे गुरु प्यार वाले इतने शरदा के नाल जो भी जीव आ के भावें एक कणका कोई चढ़ा दे भावें एक दमड़ी चढ़ा दे वह भी परवान चढ़ती है इस दर के उ पर मन के भावना होनी चाहिए है शरदा होनी चाहिए है प्यार होना चाहिए गुरु के प्रति। सो गुरु प्यार वाले अज मखण शाह लवाने का बेड़ा बन्ने लग्या अपने देश में पहुंचा तो आके अपना सारा माल तन जिन्ना विदेशों से खरीद के लिया सारा बेच बट के अज गुरु नानक महाराज के चरणों का ध्यान धरन लग्या 500 मोहर बनी है कठड़ी बन के 500 मोहर की अपने साथियों नाल लैके अज कित्थे पहुंचा मखण शाह लवाणा दिल्ली में पहुंचा संगतों को पता लग्या कि गुरु हरकृष्ण महाराज जी गुरु नानक की अठवीं जोत दिल्ली में ने जो दिल्ली में गया जाके पता किया कहने अठवें पातशाह गुरु हरकृष्ण साहब महाराज का ज्यों जल मैं जल आए खटाना त्यों ज्योति संग जोत समाना वो तो ज्योति जोत समा गए हैं। कहते फिर किस गुरु ने सानू लड़ ला के गए हैं कहते सतगुरु महाराज जी ने अंत वेले ये वचन किया कि बाबा वसे ग्राम बकाले। हुण गुरु प्यार वाले पहला तो अरदास की बेड़ा बन्ने लाने की फिर घर तो अरदास करके चलिया अज मखण शाह लवाणा दिल्ली तो अरदास करके फिर चलिया फिर अरदास है सिख दे कोल कि पातशाह मैनू पता नहीं मैं बेसमझ हाँ मैं अलग जीव हाँ मैनू कोई रोशनी नहीं कोई चानण नहीं है कृपा करके तुसी मैनू हनेरे तो चानण वाल लैके जाना तुसी अपनी भेटा मेरे तो आप लैनी है। हुण जदों संगतां ने दसिया कि बाबा बसे ग्राम बकाले ये सतगुरु महाराज वचन कर गए ने तो अपने साथियों समेत अज अरदास करके बाबे बकाले वालों रवाना होया लै भी कर अरदासा सिखने सी चाले दते पा उन्हें बन मोहर की गठड़ी लिया हिरदे गुरु त्या भाल गुरु तां गुरु दे मिलन दी होर भुख ना रही त्या जो गुरु नूं मिलन दी तां पैदा हुंदी आ गुरु सिख दे मन दे विच फिर बिरहा बिरहा आखी है बिरहा तो सुल्तान फरीदा जित तन बिरहो ना उपजै सो तन जान मसान। अज मन दे विच बैराग है मखण शाह लवाणे दे के गुरु नूं कदों मिला जाके पर की देखदा बाबे बकाले विच जाके उत्थे वाई गुरु मंजियां डाह के बैठे ने जदों सतगुरु महाराज ने वचन करता कि बाबा वसे ग्राम बकाले वाई गुरु मंजियां डाह के बैठ गए कि असीं गुरु आवो कहिंदा मैं वड्डा गुरु हां इत्थे वसनी साहसंग सतसंग जी अज भी गुरुआं का कोई अंत नहीं है अज के समय के अंदर असी भुल गए हाँ कि जिन्हां गुरु साहबाना ने साडे लिए सारा कुछ वार दिता साडे लिए लुटा दिता असी उन्हां नूं भुल गए हाँ जिहड़े सानू लुटते हैं उन्होंने मगर असी लगे फिरते हैं अज क्या कोई सतनाम श्री वाह किसे अज बलवान के शहर ने लिखिया अज के गुरुआ बारे कि माया सेवकों की नाल प्यार करता माया तर जिहदे कोल जंगी माया उहदे घरे जिहदा गुरु जांदा माया सेवकां दी नाल प्यार करदा भावें देख लो अज दा अजमा के गुर जिन्नी वध माया उन्नी काल करके मंत्र छड़दा कन्नां विच कुर करके कन्नां मन्ना कुर तू मेरा चेला मैं तेरा गुर 500 दा नोट उर गुरु कारज बैठा फुर अज दे गुरु दी माया सेवकां दी नाल प्यार करदा भावें देख लो अज दा गुर करके जिन्नी वध माया उन्नी काल करके मंत्र छड़दा कन्नां विच कुर करके जांदा किसे गरीब दे घर नहीं माया धारी बहाड़दा उर करके करके नोट कट्ठे कादर उड़ जांदा BMW गड्डी विच फुर करके अज इहजे गुरु ने ਉਹ ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਆ ਝੂਠੇ ਪਖੰਡੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਡਾਹ ਕੇ 22 ਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਅੰਧ ਵਿਖੇ ਵਿਖ ਰਾਤੇ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਚਾਲੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿਧਾਂਤ ਲੈਣਾ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਅੱਜ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ 500 ਮੋਹਰ ਸੁੱਖਣ ਸੁੱਖੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ
सतगुरु पातशाह ने कृपा की है, सिख नूं सोझी बख्शी है, आपां गुरु की पहचान कर सकते हैं। अज मक्खण शाह लवाणा गुरु की भाल विच है। उन्हें मन के जो अरदास की सच्चे पातशाह कृपा करो मैनू कोई रास्ता दिखाओ, वो मन में फुरना उठा कि क्यों ना सारियां नूं पंज पंज मोहरां रख के किते किते इतिहासकारां ने दो दो लिखियां ने, पर कोई भी गल होवे किन्नियां भी मोहरां रखियां पर अज गुरु की परख करन लग्गिया गुरु का सिख। सो गुरु प्यारिओ अज पंज पंज मोहरां रख के मत्था टेकदा है, जिहनूं पंज मोहरां सोने दीआं मिलदीआं ने वह कहिंदा वाह भाई सिखा तेरे बेड़े तर जाण। हुण मक्खण शाह लवाणा सोचदा गुरु का सिख सियाणा है, बाणी नाल जुड़िया होया, बाणी नाल जुड़िया होया, जिहड़ा बाणी नाल जुड़ गया नितनेम नाल जुड़ गया उहनूं सोझी सतगुरु महाराज बख्शदे ने। फिर सो मक्खण शाह लवाणा सोचता कि जिहड़ा पहला बेड़ा तारिया उहदी गल्लां नहीं कोई करता, अगले बेड़े तारन दीआं गल्लां सारे करदे ने। हुण धीर मल बैठा गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का भी प्रकाश है, कुछ मन नूं प्रवास होया कि यह सच्चा गुरु शायद होवे। हुण धीर मल दे पंज सत चेले छड्डे होए आले दुआले जाके चेले मक्खण शाह लवाणे नूं देखिया वी इह सोने दीआं मोहरां चढ़ाउंदा, कहिंदे जी आह सच्चा गुरु है साडा, यह गुरु है पूर्ण गुरु है, इहदे बारे सतगुरु महाराज कह के गए ने। हुण जदों धीर मल दे चरणां विच पंज सोने दीआं मोहरां रखियां तां सोने दीआं मोहरां देख के धीर मल कहिंदा जा सिखा तेरे बेड़े तर जाण तेरियां कुल्लां तर जाण। फिर मन दे विच होई शंका, कहिंदा इह वी बेड़े तारन दीआं गल्लां करदा, जिहड़ा तारिया उहदी गल कोई भी नहीं करदा। हुण फिर गुरु दा सिख उदास है। सच्चे पातशाह दे चरणां विच जदों बाई गुरुआं कोल दी लंघ के अगे गया तां गुरु प्यार वालिओ फिर गुरु महाराज के चरणों में अरदास करता कि सतगुरु पातशाह मैं भुलणहार जीव हाँ, कृपा करके अपनी सुखना जिहड़ी तुसीं आपे ही लै लो। बिलवान शायर लिखते हैं कि एक आजरी मिलिया उन्हें पुछना किया, जदों पुछया कहते भी एक घोड़ा साहब के बच्चे रहा तेगा तेगा कहते हैं। फिर गया मक्खण शाह लवाणा जाके माता गुजर कौर माता नानकी जी गुरु तेग बहादुर महाराज जी के सत्कार जो माता जी घोड़ा साहब के सामने बैठे ने जाके पुछना किया कि इतने कोई गुरु भी रहता, कहते भाई गुरु तो कोई नहीं एक गुरु का सिख है। जदों गया घोड़ा साहब के बच्चे जदों मक्खण शाह लवाणे ने पंज मोहरां रख के गुरु चरणों में मत्था टेकया, गुरु महाराज जी ने धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने मक्खण शाह लवाणे उठते मोढ़े तो फड़ लिया कि सिखा गुरु नानक ने यहोजा सिख पैदा किया। गुरां आखिया दानिया मक्खण शाह कीता कौ जवान ते हारीए ना, बनी वेले जस करे अमदाद वेली कम कढ एहसान वसारीए ना। जदों गुरु महाराज जी ने यह गल्लां आखियां कि गुरु का सिख तो बचना का पक्का होना चाहिए है, तू 500 मोहरां सुख के पंच लाउणा तां किदां किस तरह ओ गुरु का सिख कोठे चढ़ के उची उची आखन लग्या कि गुरु लाधो रे गुरु लाधो रे गुरु तेग बहादुर लाधो रे। उस समय की खुशियां भरी कविता ढाडी इत्थे कोलों क्यों सर सारिया का मामला ही साफ हो गया, राज सच दा सी जदों प्रकाश हो गया सी सच दे नाल जुड़ना है, बाणी सच है, बाणी गुरु गुरु है, बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कहे सेवक जन माने परतख गुरु नस्तारे। असी झूठे पखंडी गुरुआं नूं छड्ड के श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी नाल लग के अपना जीवन सफल करिए। सो इन्नी सेवा करियो प्रवान फुल्लां चुक्कां दी खिमा, सारिया संगत दा धन्नवाद, सारी संगत गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।